तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यूली रिलीज मूवी शैतान के बारे में, जो एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक है। दोनों ही मूवी में बेटी का रोल एक ही एक्ट्रेस ने किया है, जिनका नाम है जानकी बोड़ीवाला। तो मूवी की शुरुआत एक मरे हुए चूहे को दिखाते हुए होती है, जिसे एक आदमी उठाकर ले जाता है। इंट्रो के बाद एक फैमिली जिसमें पिता का नाम कबीर, माँ का नाम ज्योति, बड़ी बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव था। फिर कार में जानवी कबीर से कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाने वाली है, लेकिन कबीर पहले तो मना करता है, लेकिन जानवी के प्रेशराइज करने पर वो कुछ शर्तों पर मान जाता है, जैसे कि वो जिनके साथ जा रही है उनका नाम और नंबर और उसकी लाइव लोकेशन वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले ये लोग घूमने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे थे। रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके थे। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे। कबीर को चाय पीनी थी, इसलिए वो दो चाय ऑर्डर करता है, लेकिन उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। तभी पास में खड़ा एक शख्स ये देख रहा था और वो एक चाय अपने लिए ले लेता है और दो चाय कबीर की फैमिली के लिए ले लेता है। इसलिए थैंक्स के रूप में कबीर उस आदमी को अपनी टेबल पर इनवाइट करता है और वो आदमी जो अपना नाम वनराज बताता है मान जाता है। फिर वनराज जानवी का खाना ले लेता है जो जानवी को नहीं खाना था और उसे अपना लड्डू खाने को देता है। वनराज का बिहेवियर कुछ अजीब था। अब लड्डू खाते ही जानवी का व्यवहार बदलने लगता है। फिर वनराज उसे वही खाना खाने के लिए कहता है जो उसे पसंद नहीं था और वो खा भी लेती है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वनराज जानवी को एक बिस्किट देकर कहता है फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना। जानवी मान जाती है। ये सब थोड़ा अजीब था क्योंकि जानवी कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं मानती। फार्म हाउस पहुंचकर जानवी सबसे पहले वही बिस्किट खाती है। फिर ये लोग फार्म हाउस पर एंजॉय करने लगते हैं। तभी ज्योति और कबीर नोटिस करते हैं कि वनराज उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा है और वो घर के अंदर आकर कहता है कि उसका फोन डेड हो गया है और उसे अपनी बेटी से बात करनी है। कबीर को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है। फिर वनराज जानवी पर नजर रखने लगता है। उधर ज्योति वनराज के घर आने पर बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन कबीर उससे कहता है कि वो बस थोड़ी देर में चला जाएगा। बाहर वनराज जानवी से उसके बारे में सब कुछ पूछता है और उसे उसके प्लान कैंसिल करके अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी ध्रुव वहां आ जाता है और जानवी से खेलने को कहता है। वनराज जानवी से कहता है कि तुम आज इसके साथ इतना खेलो कि ये फिर कभी खेलने के लिए ना कहे। तो जानवी ध्रुव को झूले पर बहुत जोर जोर से झुलाने लगती है, जिससे ध्रुव चिल्लाने लगता है। ये सुनकर कबीर और ज्योति भी वहां आ जाते हैं और जानवी को रोकते हैं। फिर खाने की टेबल पर भी वनराज उनके फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाने लगता है और जानवी को कंट्रोल करने लगता है। ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं और कबीर उसे घर से जाने को कहता है, लेकिन वनराज जाने को तैयार नहीं था। फिर कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालता है, लेकिन जानवी कबीर को रोकती है, कहती है कि अंकल घर से नहीं जाएंगे और वो पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। यहाँ वनराज सबको बताता है कि उसने जानवी पर वशीकरण किया है, अब वो जो कहेगा जानवी बस वही करेगी और वो कर भी रही थी। ज्योति वनराज से पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया, तो वनराज सबके फोन टेबल पर रखवाता है और जानवी से उन्हें तोड़ने को कहता है। फिर वो कहता है कि वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और उसके पेरेंट्स यानी कबीर और ज्योति उसका त्याग कर दे। वैसे तो वो जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स की मंजूरी के बिना आगे चलकर उसका वशीकरण टूट भी सकता है, लेकिन कबीर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी वनराज जानवी को एक लात मारता है। ये देखकर कबीर उसे पीटने लग जाता है। वहीं पुलिस भी यहाँ आ रही थी क्योंकि ज्योति ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन पुलिस के यहाँ आने पर सब नॉर्मल दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वनराज ने जानवी को एक गैस सिलेंडर पर बैठा दिया था ताकि जानवी उसे ब्लास्ट कर दे। फिर कबीर और ज्योति पुलिस को वहां से किसी तरह से भेज देते हैं। फिर कबीर वनराज को पैसा ऑफर करता है, लेकिन वनराज को तो बस जानवी चाहिए थी। फिर वनराज कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़ता है, जिससे ये पता चलता है कि वो बहुत ताकतवर बनने वाला है। फिर वो जानवी से अलग अलग चीजें करवाता है। उसके बाद जानवी एक चाकू लेकर आती है और वनराज उससे कहता है कि कोई मेरे पास आए तो उसे मार देना।